व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू डे 8। डे 8 के अंदर भी आज हम मुंबई में हैं, तो ये दूसरा दिन है मुंबई में हमारा। तो अभी सुबह के 6:30 बजे लगभग, और हम जा रहे हैं चोर मार्केट। ठीक है, चोर मार्केट जा रहे हैं सुबह के, वो लगभग सुबह 4 बजे लग जाता है, मतलब सुबह 4 बजे लगेगा और अगले दिन शाम, मतलब शाम को 6 बजे तक के रहता है। ठीक है, तो हम उधर जा रहे हैं चोर मार्केट, मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखते हैं कैसा है यहाँ का मार्केट चोर। और वैसे मैं कल मार्केट गया था, वहाँ से मैंने ख़रीदारी करी, शानदार एक नंबर मार्केट लगता है नॉर्मल वाला, पर मैंने चोर मार्केट ही नहीं देखा इधर का। तो हमने एक लोकल बंदे से पूछा था, तो उन्होंने बताया था सुबह 4 बजे लगेगा चोर मार्केट, और फिर उसके बाद से कंटिन्यू चलेगा। तो अपन उधर ही चल रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ का चोर मार्केट कैसा है, तो वीडियो में जरूर बने रहे। ठीक है, तो ये टैक्सी कर आए ले हम इधर, और देखो शानदार ये चोर मार्केट मुंबई का, मुंबई का चोर मार्केट। जो बोलोगे वो मिल जाएगा आपको इधर, जैसे चाहोगे सामान। अब देखते हैं अपन को क्या पसंद आता है, फिर उस हिसाब से अपन डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, भीड़ बार, ये देखो बच्चों के पजामे वगैरह मिल रहे थे, कुर्ता पजामा भी है इधर, जैकेटें है, जो बोलोगे वो है, चप्पल है, ये मेकअप का सामान है, बेल्ट या आर्टिफिशियल सामान। चलो भाई, बैग वगैरह भी इधर, तो ये बनियान वगैरह। अपन को तलाश है स्वेटर की, ठीक है स्वेटर लेना अजमेर के लिए। घड़ी ये तो फेस उसका है, डेकोरेट सामान, ये टी शर्ट मिलते, मोबाइल अल्लाह ढूंढे के इधर, यार नहीं ढूंढे। जूते वगैरह मिल रहे मस्त मस्त यार इधर, बढ़िया बढ़िया जूते मिल रहे एक से एक, पीछे मैंने देखा है अभी हॉर्न वगैरह गाड़ी का। सेली सेल चारों तरफ, सेली सेल चल रही, तगड़ी सेल चल रही चारों तरफ। हम चोर मार्केट जाकर आ गए, ठीक है, चोर मार्केट वाले एरिया से निकल गए, सुबह 6 बजे गए थे हम, और देखो ये 9 बज गया हमारे को वहाँ पे। और भाई मतलब शानदार शानदार चीज़ें यार उधर चोर मार्केट में, एक से एक चीज़ें, मतलब आईफोन भी मिल रहे, लैपटॉप भी मिल रहे, सब मिल रहे, पर आईफोन ना कॉपी थे साथ, जो भी ब्रांडेड मोबाइल थे ना, मतलब जैसे सैमसंग के S7 या फिर क्या नाम है S10 या फिर अल्ट्रा वगैरह, ये सब कॉपी थे। आईफोन तो टोटली कॉपी थी उनके पास में, कोई ज़्यादा खास फ़ोन नहीं था आईफोन में। और ज़्यादा वो वीडियो बनाने की वहाँ पे मना कर दिए कि भाई नहीं, वीडियो नहीं बनाने का यहाँ पे, ये क्या नाम है नॉर्मल कपड़े वगैरह की बना लो, पर ये मोबाइल वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान का वीडियो नहीं बनाने का। इस चक्कर में थोड़ा अपन ने बनाया नहीं वीडियो, सिर्फ कपड़े का एरिया दिखाया। और एक मेन बात, हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी है, ठीक है 12 बजे की टिकट है, और टिकट कंफर्म हो चुकी है अपनी, और अब चेकआउट करने का टाइम आ गया, तो हम जा रहे चेकआउट करने के लिए, फिर उसके बाद में निकलेंगे रेलवे स्टेशन बेंड्रा, बेंड्रा रेलवे स्टेशन से सीधा अजमेर। पूरा जर्नी हो चुकी है मुंबई की, और अब हम जा रहे हैं बेंड्रा टर्मिनस, वहाँ से हमारी ट्रेन है अजमेर की, और अब टाइम आ चुका है बॉम्बे को अलविदा करने का। मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना पड़ रहा है, तो चलिए आप बॉम्बे को अलविदा करते और वेलकम करते हैं अजमेर को। बाय मुंबई, बाय बाय, और कभी आएंगे जरूर, मौका मिला किस्मत ने साथ दिया तो अगली बार मुंबई वापस आना होगा। बहुत प्यारी सिटी यार, बहुत शानदार, वैसे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है भाई, शानदार सिटी है सिटी।
बांद्रा टर्मिनस पहुंच गए हम हमारी ट्रेन लेने के लिए। अभी अभी टैक्सी में आए सौरभ भाई, पेमेंट कर रहे हैं और ये रहा पीछे बांद्रा टर्मिनस। अभी अंदर आएंगे और अपने अजमेर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे अपने अजमेर सिटी वापिस, क्योंकि अब आ चुका है वक्त वापिस अजमेर जाने का। तो बस बैठते ट्रेन में और बताते आपको कि अजमेर निकली या नहीं निकली ट्रेन। रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए हम, तो बड़ा पाव आ रहे, काफ़ी मस्त लग रहे हैं यहाँ का, बढ़िया बड़ा पाव। और पीछे जो ट्रेन खड़ी है ना, याली करी हमने एसी कोच, तो थोड़ी देर में निकलने वाली है, फिर तो अपन मिलेंगे डायरेक्ट अजमेर में और बीच में थोड़े बहुत शॉर्ट वगैरह लेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो गई अपनी, ठीक है रवाना हो गई है अजमेर के लिए। अब थोड़ी देर बाद में आराम करेंगे अपन, सोएंगे क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। सुबह जल्दी के उठे हुए चोर मार्केट गए थे देखने के लिए, घूमने के लिए। और ये देखो अपनी ट्रेन हो गई स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट हो गई अपनी ट्रेन। सोते हैं, आराम आराम करते हैं, अजमेर में जाकर मिलेंगे आप अपन डायरेक्ट, क्योंकि अब नींद आ रही खतरनाक वाली सोऊंगा मैं तो, क्योंकि अब डायरेक्ट अजमेर में आकर ही मिलेंगे अपन। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 10 बज गए, ठीक है रात में 4 बजे हम उतरे थे अजमेर, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया था। ठीक है, सुबह की 4:30 समथिंग हो रही थी और हम अजमेर उतर गए थे। और मैं घर पर आया, घर पर आकर मैंने घर वालों को फ़ोन करा कि हाँ भाई घर पर आने का गेट वेट खुलवाया और हम सो गया मैं डायरेक्ट आ रहा कर। थके हुए थे, भूख भी लग रही थी बहुत तेज और थके हुए भी थे। आया मैंने नाश्ता बनवाया, मैंने कहा कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लग रही बहुत तेज। फिर खाना वाना खाया मैं और सो गया। मैं वीडियो बनाना भूल गया उस टाइम की, क्या अभी मैं किस टाइम उतरा हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मैं 4:30 बजे हम रेलवे स्टेशन उतरे थे, 5 बजे करीब हम घर पर पहुँच गए थे। फिर थोड़ी बहुत बात करी, मतलब 5-10 मिनट बात करी, उसके बाद मैं सो गया। ठीक है, उसके बाद अभी उठा हूँ मैं और अभी मैंने वीडियो बनाई ये वाली, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ये बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी जर्नी निकली हमारी ये वाली, अजमेर टू गोवा, गोवा टू मुंबई और मुंबई टू अजमेर। बहुत ही खूबसूरत जर्नी निकली, मतलब एक याद बन के रहेगी। और एक यूट्यूब के ऊपर तो अपनी जर्नी पूरी कैद हो चुकी है, तो अब अपन बनाएंगे नया व्लॉग। और मैंने बीच बीच में व्लॉग नहीं डाले गोवा के, जैसे क्रूज़ वगैरह के हो गए और क्या नाम है कयामत की जेल होगी और बहुत सारे व्लॉग है, तो वो भी अपलोड होना बाकी है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, नए ब्लॉग की तैयारी करेंगे। ठीक है गाइज, तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके भाई को सपोर्ट बनाए जरूर रखना। ठीक है, मिलेंगे और एक ऐसी जर्नी पर या फिर नए ब्लॉग पर अजमेर के। जब तक टाटा इन, बाय बाय गाइज़।